hard to breathe, but that's alright. Hush. स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन ले सके। हमारे न्यू चैनल में मल्टी टैलेंट आज मैं आपको बताऊंगी कि बेकार कांच की बोतलों से आप क्या बना सकते हैं। जो वेस्ट हो जाती है आप उसे यूज करते हैं वो आपके लिए वेस्ट है और आप उन्हें डस्टबिन में फेंकते हैं। डस्टबिन में नहीं फेंकना है, उन्हें यूज करना है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए चलो आपको बताते हैं कि कैसे उनका यूज किया जाए। ओके फ्रेंड, फर्स्ट वीडियो है, आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? टिश्यू पेपर, कुछ कलर, फेविकोल, ये कुछ पेंट करने के लिए ब्रश, कोई भी खाली बोतल ले लेंगे। तो मैंने तरबूज के बीज थोड़े से लिए थे, उनको सुखा लिया है, देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो। देखिए हमने एक बोतल ली थी, हम टिश्यू पेपर लेंगे और ग्लू की सहायता से इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैंने ना, देखिए फ्रेंड्स इसको हमने पूरा ग्लू से कवर कर दिया है टिश्यू पेपर लगा करके। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो इस सूखने देंगे। सूखने के बाद हम इस पर कलर करेंगे। दिया है, अब मैं इसे कलर करना शुरू करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये रेडी हो गई है, अब हम इस पर थोड़ा सा आर्ट करेंगे। ग्लू की सहायता से हम इस पर ये तरबूज के बीच चिपकाएंगे। इसके बीच में जो गैप है उसको आप फ्लावर की शेप दे सकते हैं, कलर लगा के आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से की है। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बीज लगा दिया है और उसके सेंटर में मैंने थोड़ा सा कलर डाल के स्पार्कल लगाया और थोड़ा सा कलर से इनकी शाखाएं बनाई है। ये देखिए उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे मुझे शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।